महानगर सूरत में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एक आवारा पागल कुत्ते ने एक मासूम बच्ची को बुरी तरह से काट डाला। कुत्ते के हमले से बुरी तरह से बच्ची घायल हुई, तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद अब नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी याद आ गई है। इस बच्ची की पीड़ा और परेशानी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सूरत की सड़क पर घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने इस बच्ची को ऐसा जख्म दिया कि हम दिखा भी नहीं सकते। कुत्ते ने इस मासूम के गाल का पूरा मांस ही नोच लिया। हमले में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। घायल बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के चेहरे पर कई टांके आएंगे और प्लास्टिक सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। बच्ची के साथ जो भी हुआ है, बच्ची बहुत छोटी है, उसको देखकर हमें भी जैसे हमारे हृदय में ये बहुत दुख होता है। तो सबसे पहले मेरी ये प्रायोरिटी है, मैं भी एक स्त्री हूँ, एक माँ हूँ, तो उसके माध्यम से इस बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी से अच्छी हो जाए, उसी दिशा में हम सब काम करेंगे। कुत्तों के आतंक की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। सूरत की हंसपुरा सोसाइटी में जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुत्ते ने उस पर पीछे से हमला बोल दिया। कुत्ते के हमले से बच्ची नीचे गिर गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्ची पर कुत्ता हमला करता है और काफी देर तक उसे नोचता रहता है। बेटी की आवाज सुनकर माँ दौड़कर बाहर आई और बेटी को ले जाने लगी, तो कुत्ते ने महिला पर भी हमला बोल दिया। कुत्ते के काटने से महिला भी घायल हो गई। बच्ची मेरी भांजी है, वो अपने अब मेरे घर के बाहर खेल रही थी और अचानक से कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और तीन चार जगह पे बाइट लिया है और यहाँ से तो पूरा मांस निकाल दिया हुआ है। अभी बच्ची के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या पोजीशन? डॉक्टर बोल रहे हैं उसको प्लास्टिक सर्जरी करना है, जो आज शाम को होगा, और उसके बाद दो दिन के बाद वो घर जा सकती है। सूरत से हिला देने वाली घटना के बाद सूरत नगर पालिका के अधिकारियों की नींद टूटी है। सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों के धरपकड़ का अभियान शुरू हो गया है। नगर पालिका के कर्मचारी नेट के जरिए कुत्तों को पकड़ने में जुटे हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सूरत नगर पालिका का ध्यान आवारा पशुओं के आतंक पर गया है। कुछ दिनों के एक्शन के बाद हालात फिर से जस के तस हो जाएंगे। जरूरत लोगों को इन आवारा कुत्तों के आतंक से स्थायी रूप से बचाने की है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।